26वां श्लोक। न बुद्धि भेदं जनये अज्ञानां कर्म संगिनां जोषये सर्वकर्माणि विद्वान् युक्ता समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्ववेत्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णभिन्नविचालये मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यसध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः उनतीसवें श्लोक का भाष्य। प्रकृते ही गुणै ही सम्यक मूढाः सम्मोहिताः संतः सज्जन्ते गुणानां कर्मसु गुणकर्मसु वयं कर्म कुर्मः फलायैति तान् कर्मसंगिनः अकृष्णविन्न कर्मफलमात्रदर्शिनो मन्दान् मन्दप्रज्ञान् कुलवत् कृष्णविद् आत्मविद् स्वयं न विचालयेत्। बुद्धिभेदकरणम् एवं चालनं तद् न कुर्यात् इत्यर्थः। कथं पुनः कर्मणि अधिकृतेन अज्ञेन मुमुक्षुणा कर्म कर्तव्यम् इति उच्यते। मयि वासुदेवे परमेश्वरे सर्वज्ञे सर्वात्मनि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य निक्षिप्य अध्यात्मचेतसा विवेकबुद्धया अहं कर्ता ईश्वराय भृत्यवत् करोमि इति अनया बुद्धया किंच निराशिः त्यक्ताशिः निर्ममो मम भावः च निर्गतो यस्य तव त्वं निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः विगतः संतापो विगतशोकः स नित्यर्थः। सो एक बड़ा व्यावहारिक उपदेश भगवान ने दिया है। उपदेश ये है कि जो ज्ञानी व्यक्ति है, जिसको ज्ञान हो गया है, जो समाज में ऐसा कह लें कि जो थोड़ा बुद्धिमान है, उसको समाज में क्या बातें करनी चाहिए। मैं आपसे पहले ही उस दिन निवेदन कर रहा था, कोई जरूरी नहीं है कि जो चीज आपको पता हो दुनिया को भी वही चीज का पता या उपदेश दिया जाए। माता पिता को शायद बहुत ज्यादा ज्ञान हो बच्चे की तुलना में, लेकिन माता पिता वह सब का सब ज्ञान उस बच्चे को उस समय नहीं देते। तो अब बोले उसका कारण क्या है,
उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि वो योग्य नहीं है, अभी उसमें योग्यता ही नहीं है, समय नहीं है ऐसा। गीता में भगवान कृष्ण ज्ञानी को ये उपदेश देते हैं, ये महत्वपूर्ण है। ज्ञानी को ये उपदेश दिया कि काम करो तुम, न बुद्धि भेदम जनयेत। जब तुम समाज में जाओ तो समाज में बुद्धि का भेद उत्पन्न मत करना। अब आप वो पूरा का पूरा प्रवचन जोड़िए, बुद्धि का भेद मतलब क्या? बुद्धि का भेद मतलब क्या? आपको याद हो, बुद्धि भेद का जो वास्तविक अर्थ ये है, हमारे पास दो उपकरण हैं, एक मन है और एक बुद्धि है, और इन दोनों का ही व्यक्ति उपयोग करता रहता है। बुद्धि है ये पता आपके निर्णय से पता लगता है। इसलिए वेदांत में परिभाषित किया गया कि बुद्धि को पता लगाया जाए, या बुद्धि है इस बात का पता लगता है कि उसमें निश्चयात्मिका बुद्धि है या नहीं। अब समाज में लोग बोल देते हैं कि ये बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, ये इंटेलेक्ट इनका हाई है। मतलब क्या इंटेलेक्ट हाई? इंटेलेक्चुअल का मतलब ये नहीं है कि वो बड़े बड़े महलों में रहता हो, बड़ी गाड़ी में रहता हो, या जिसका मत्था चौड़ा हो, या जो प्रवचन अच्छा करता हो, वो इंटेलेक्चुअल नहीं है। बात यह है कि उसके जीवन के बारे में जो निर्णय है वो क्या है। बोले ऐसी बात क्यों आपने की निर्णय की? बात यह है कि सभी के जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं। मतलब हम और आपको छोड़ो, मैं बोलता हूं कृष्ण से लेकर विवेकानंद तक के सबके जीवन में विपरीत परिस्थितियां आई। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके जो व्यक्तित्व की पहचान है, इस बात को थोड़ा गांठ बांध लीजिएगा, जो आपका ओरिजिनल व्यक्तित्व है, मैं ऐसा कहूं जो वास्तविक व्यक्तित्व है, जो मूल व्यक्तित्व है, उसकी परीक्षा तब है जब आपके सामने विपरीत परिस्थितियां आती हैं। कहा गया कि जो मैन इज नोन बाय हिज रिएक्शन, एक व्यक्ति अपनी दी गई प्रतिक्रिया से अपने व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। अब थोड़ा इस पर आप जरा ध्यान बटोरना, सब कुछ अनुकूल है तो सभी का जीवन मधुर है। आपको याद हो कि आखिर राम को राम बनाने वाली चीज क्या थी? आज हम और आप जो राम को बहुत पूछते हैं, वो शायद इसलिए नहीं पूछते कि वो दशरथ के लड़के थे, ना ना ना, हम इसलिए नहीं पूछते कि वो अयोध्या के राजा थे, ये भी नहीं, इसलिए पूछते हैं कि वनवास जैसी विपरीत परिस्थितियों में जो उनका रिएक्शन था, जो उनकी एक प्रतिक्रिया थी, वो अपने पिता के लिए कैसी थी, अपनी माँ के लिए कैसी थी। ध्यान रखना, उसी जगह राम को जितना वेटेज दिया गया, लक्ष्मण को उतना वेटेज नहीं दिया गया, कि इसको जरा सावधान। जबकि ग्रेटनेस लक्ष्मण की थी कि उनको उनको दिया नहीं गया क्या चीज, वनवास। इसके बाद भी वो व्यक्ति वन जाता है, लेकिन जो वेटेज मिलता है वो किसको मिलता है? किस बेसिस पे ये निर्धारण किया गया? ये उस परिस्थिति में राम ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। देखो, कभी आप ऐसा भी चित्र बनाना कि राम के 14 वर्ष का जो हिस्सा है वो हटा दो, अब राम क्या सामने आते हैं? अब राम का चित्र सामने क्या आता है यदि वो 14 वर्ष का हिस्सा हटा दिया जाए? तो
आपसे बताऊं, राम और हम आप कैसे हैं? एक ही हैं और क्या है? इसलिए मैंने बोला, आपके जीवन में जब विपरीत परिस्थितियां आई हों, आती हैं, आएंगी, उस समय मन से, बुद्धि से, शरीर से क्या प्रतिक्रिया आप व्यक्त करते हो, वही आपका मूल व्यक्तित्व है, वही कमाया है। और व्यक्ति उसी समय गड़बड़ा जाता है। जहां विपरीत परिस्थितियां आई तो उसका यह तो रिएक्शन लेवल इतना एक्सट्रीम होता है कि आप पूछ नहीं सकते, या तो फिर वो इतना डिप्रेस चला जाता है कि वो रिएक्शन कुछ कर ही नहीं पाता, फिर वो नहीं बैठ गया, अस्पताल में ही भर्ती हो गया, कोने में ही बैठ गया, नहीं है तो फिर कूद रहा है। एक समभाव जीवन में नहीं आ सकता। व्यक्ति के व्यक्तित्व की जो पहचान है वो विपरीत परिस्थिति में है। नाउ क्रॉस चेक, आपकी विपरीत परिस्थिति में आपने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है? नहीं है तो सुधारा जाए, है तो और अच्छा किया जाए। अब ये जो प्रतिक्रियाएं व्यक्त होती हैं वो दो चीज से जोड़ के चलना जरा। जो हमारी प्रतिक्रियाएं हैं उसके तीन कारण हैं, एक है शरीर, एक है मन और एक है बुद्धि। और शरीर की प्रतिक्रिया को इंग्लिश में जो शब्द है वो ज्यादा अच्छा है। अब उसको क्या कहते हो? यस, आज ये शब्द ज्यादा यूज किया जाता है कि इनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है। मतलब क्या? क्या बॉडी की भी कोई लैंग्वेज होती है? सोचो आप, आखिर बॉडी लैंग्वेज वर्ड कहना क्या चाहता है? शरीर बिना कुछ कहे हुए भी सब कुछ, बोलो जी, कह देता है। आप चले कैसे, आप उठे कैसे, आप बैठे कैसे, ये भी आपके व्यक्तित्व की बहुत बड़ी पहचान है। मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसा उठे दो लोगों को धक्का दे दिया, ऐसा उठे कि सामान ही गिरा दिया, ऐसा उठा कि हम ही लड़खड़ा गए, इट शोज यू आर चंचल। जो साम्यावस्था है वो नहीं है। बैठे बैठे वहीं के फिर भूल ही गए आगे क्या करना है। जब आप खिलाड़ियों को देखते हैं, अभिनेता को देखते हैं, नेता को देखते हैं, तो आप उनकी पहली चीज क्या वॉच करते हैं? कि बॉडी लैंग्वेज क्या है। ठीक है, दुख है, दुखी होने की जरूरत नहीं है। नहीं बोले मैं इसलिए दुखी था क्योंकि मेरे पास जीवन में बहुत, सबके जीवन में है माय डियर। कोई कोई बता देता है, कोई कोई नहीं बताता है, कोई कोई मुंह दिखा के बना देता है, कोई कोई अंदर पी जाता है। आप अभी वो सीरियल देख रहे थे, वो कौन सा महादेव शिव वाला है ना, जहर पीने का ढंग तो आप देखो, किसने नहीं पिया जहर। मुझे लगता है शिव को शिव बनाने वाली ये जो प्रक्रिया है वो जहर पीने वाली है। बट जहर पीने का अपना एक ढंग है। जहर ऐसे नहीं पिया गया कि व्यक्ति अपने आप को खत्म कर ले। जहर ऐसे पिया गया कि यहां से तो पीता है लेकिन वो हृदय में नहीं आने देता। ये परिवार में भी आपको जहर पीना पड़ेगा। जहर पिएंगे तब चार लोग प्रेम से परिवार में रह सकते हैं, और किसी न किसी को परिवार में पीना पड़ेगा। हर परिवार में एक शिव की जरूरत है। लेकिन जहर पीने का तरीका क्या? मैंने उससे वैर कर ली, दुश्मनी कर ली, द्वेष कर लिया, अभिमानी बन गया, इसने मुझे ऐसा किया, इसलिए मैं इसको, ये शिव नहीं है।
शिव उसको यहां तक ले जाते हैं लेकिन अंतःकरण नहीं जाता, पता नहीं ध्यान दिया आपने, नहीं हृदय में नहीं जाता है वो, क्योंकि हृदय में गया तो सब दूषित हो जाएगा। ये एक व्यवहार की बड़ी सटीक एक क्रिया है, ऐसा व्यवहार किया जाए, सबको कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं लेकिन हृदय में मत ले जाया जाए। बोले आप कहना क्या चाहते हैं? एक शरीर से प्रतिक्रिया है, एक मन से प्रतिक्रिया है और एक बुद्धि से प्रतिक्रिया है। तीन लैंग्वेज है, पहचानना आप अपने अपनी, शरीर की, मन की, बुद्धि की। शरीर की मैंने आपको बताई, मन की, मन की भाषा क्या होगी? मन की भाषा आपकी मुस्कान है। मन की जो भाषा है वो आपके चेहरे पर उकेरने वाली आकृतियां हैं, वो किसकी भाषा है? बोले मन दुखी है इसलिए, देखो तो उसका प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा। तो एक एक भाषा मन की भी है, जहां शरीर सुंदर नहीं है मन सुंदर है। अच्छा एक तीसरा और भी है, एक बुद्धि की भाषा है जो मैं कहना चाहता है। जहां बुद्धि है, इसको लगा के रखना, जहां बुद्धि है वहां वेग है, जहां बुद्धि नहीं है वहां वेग नहीं है जीवन में, ठीक है ना? जहां बुद्धि है वहां वेग है, जहां बुद्धि नहीं है वहां वेग, वहां गति नहीं हो सकती। शब्द क्या है? न बुद्धि भेदम। अगर आपने किसी की बुद्धि में भेद उत्पन्न कर दिया, भेद मतलब संशय उत्पन्न कर दिया, किसमें? उसके निर्णयों में। उसके निर्णयों में यदि संशय उत्पन्न कर दिया तो उसके जीवन की जो गति है वो धीमे हो जाएगी। देखो जी ये पचाना जरा, मैंने आपको बार बार उसका उदाहरण दिया कि आप कार से जा रहे हैं और आपसे मैं बोलूं कि भोपाल जाना है, और जब आप आधा रास्ता सोनकच पहुंचते हैं तो मैं कहता हूं शायद ये रूट नहीं, इधर नहीं जाएगी उधर जाएगी। अब आपकी जो गति है वो पहले से क्या हो गई? स्लो हो गई। क्यों हो गई? किसी ने क्या डाल दिया? संशय डाल दिया। प्रभाव क्या पड़ा? आपकी गति रुक नहीं गई। संशय से गति रुकती नहीं है, संशय से जो गति है वेग वो क्या हो गई? धीमे हो गई। ज्ञानी के लिए उपदेश है, तुम बुद्धि भेद को उत्पन्न ना करो। अब ये शब्द तो इतने ही हैं गीता में, न बुद्धि भेदम, बट इसके पीछे जो इतिहास छिपा है, जो फिलॉसफी छिपी है वो बहुत बड़ी है। एक ज्ञानी महोदय, आप त्रिगुणों से पार हो गए हो, आप निष्कर्म की स्थिति में आ गए हैं, दूसरे को ये उपदेश मत दो। क्या है? किसको भगवान, किसकी बुद्धि भ्रमित ना करूं? बोले अज्ञानाम, अज्ञानियों की बुद्धि मत। बोले मैं कैसे जानूं कि ये व्यक्ति अज्ञानी है? बोले उसका लक्षण है कर्म संगिनाम। एक एक शब्द को आगे आगे देखते जाना। मैंने आपको न बुद्धि भेदम जनयेत, बुद्धि भ्रमित मत करो। बोले किसकी? बोले अज्ञानाम। अज्ञानाम कौन है? बोले कर्म संगिनाम, जिसने कर्म से संग किया है, मतलब जो व्यक्ति कर्म करने वाला है। और कर्म संगी का अर्थ मैंने आपसे निवेदन किया था, जो अभी प्यासा है। वो सिद्धांत याद कीजिए, यदि जीवन में प्राप्तव्य है तो कर्तव्य शेष रहेगा और इसको स्वीकार करना चाहिए। यदि जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो कर्तव्य की चाहत भी होगी। प्राप्तव्य बोले बहुत कुछ है, और अध्यात्म के नाम पर कर्तव्य से आप शून्य हो गए, चित हो गए, गिर गए, अकर्मण्य हो गए। ये अपने आप को धोखा देना हुआ अध्यात्म में,
यदि कुछ प्राप्त करना है तो फिर उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं कर्म संगिनाम, हो गया ना। व्यक्ति कर्म करता ही इसलिए है क्योंकि उसको कुछ क्या करना है, प्राप्त करना है। प्राप्त क्यों करना है, बोले अभी है नहीं इसलिए प्राप्त करना है, इसका ना अभी कहीं कसर बाकी है आनंद की, जिससे वो प्राप्त कर कर भरना चाहता है, इसको बोलते हैं कर्म संगिनाम। बोले फिर इसको किस चीज का उपदेश दिया जाए, बोले जोशयेत, जोशयेत, इनको लगाओ किसमें, बोले कर्माणि। बहुत ही सुंदर उपदेश। मैंने उस दिन में कहा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो निठल्ले हैं, कुछ काम धाम नहीं करना, किसके नाम पर, बोले अध्यात्म के नाम पर, अकर्मण्य चुपचाप बैठे, सब मिल जाएगा, कोई दे देगा। भगवान बोलते हैं इनसे तो अच्छा कौन है जो क्या करता है, ये काम करता है। इस काम करने वाले को भी तुमने यदि कुछ गलत उपदेश दिया तो ये और भी क्या हो गया, तो पाप किसको लगेगा, जरा समझना। एक इतना आसान नहीं है, कहीं उपदेश देने से वो जो कर रहा था वो छोड़ ना बैठे कुछ, ये बहुत संभव है। ये उपदेश देने वाले को और सुनने वाले को यदि वो गंभीर है, मतलब वो चलतू चीज नहीं है, कोई कथा पुराण है तो एक अलग चीज है, यदि गंभीर है जीवन के प्रति थोड़ी संवेदनशीलता है, तो वक्ता को गुरु को बहुत ध्यान रखना पड़ता है ऐसा कोई उपदेश न दिया जाए जिससे इसके जीवन की गति धीमी पड़ जाए। तो जोशयेत सर्व कर्माणि, इनको कर्म में लगाओ और अच्छे से लगाओ। देखो जी, विद्वान युक्त समाचरण, अच्छा जी भगवान इनको कर्म में लगाओ। अब देखो सुंदर बड़ा अच्छा प्रश्न उत्पन्न हुआ, भगवान कर्म में कौन लगाता है, अपने मन से सोचना, क्या मैं कर्म को करता हूं कि मुझसे कर्म करवाया जाता है। देखो ये लिंक कहां से आया, कर्म में लगाओ। अब क्या बोलोगे आप, भगवान बोलते हैं देखो प्रकृते है क्रियमाणानी, ये चल रहा था इसको बैठा लेना, आंख बंद करके इन शब्दों का अर्थ आपको स्मरण होना चाहिए। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। अर्जुन, व्यक्ति चाहे और व्यक्ति न चाहे, उसके अंदर के जो गुण हैं वो उससे वो काम करवा लेंगे, चाहे चाहो और चाहे न चाहो। उदाहरण, उदाहरण इसको उदाहरण से कैसे समझोगे आप, अब शराबी को हम लोगों ने तो बहुत कम ही देखे ना, पाला कम पड़ा है, बट मैं जाता हूं रोड से, मैं देखता जरूर हूं उस दुकान में वो कौन खड़ा है। कहा ममता, क्यों ला रहे भाई सुबह सुबह आम, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको देना हो, आप कितना नहा धो के अच्छे होके आओ और अगर आप में तमोगुण भरा है तो आप सोओगे जरूर। देखो जी प्रवचन में सबसे अच्छा उदाहरण है, आप कोशिश कर लो जिस दिन जागने की कि मैं जागूंगा मैं सुनूंगा, लेकिन आपको पता है वो जो गुण महाराज है ना वो आपको क्या करेंगे, सो। मैं छूट नहीं ले रहा हूं आपको, इसे मत समझना आप सो और मैं बोलूंगा नहीं। अगर वो है
तो आपको सुला के रहेगा, यही तो उसकी पहचान है। और ये एक रजोगुण की भी ध्यान रखना, यदि रजोगुण भरा है व्यक्ति शांत नहीं बैठ सकता, चाहे रात हो चाहे दिन। आम आदमी रात को सो जाता है, वो नहीं, वो कुछ पढ़ेगा लिखेगा दौड़ेगा घूमेगा। आप जा महानगरी देखो आप बंबई में, वो वहां का जो व्यक्ति है वो कैसा है, राजसिक, शांत नहीं बैठ सकता, कुछ चाहिए, बहुत कम समय है जो ऐसा बैठ सकता है, कुछ न कुछ चाहिए, शांत नहीं बैठ सकता। तो समझ लो इसको कौन सा गुण काम करा रहा है। कोई कोई उल्टा है, चाहे कैसा भी समय हो वो अपने सत्वगुण में क्या हो जाता है, प्रवेश कर ही जाता है। इसकी साधना की आदत पड़ी, मैंने ध्यान की जप की सत्संग की, वो अपना अड्डा क्या करता है, ढूंढ लेता है कहीं भी, कैसे शहर में जाए। तो मंदिर जाने वाला अपना मंदिर खोज लेगा, महात्मा को खोजने वाला महात्मा को खोज लेगा, पीने वाला दुकान खोज लेगा, पार्क घूमने वाला वॉक करने वाला पार्क खोज लेगा। वो जो गुण हैं वो उसको अपना काम क्या कर लेंगे। देखो और ये आप करके देखना, बहुत ज्यादा आपका वश चलता है नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं नहीं चलता, लेकिन इतना भी आप करके देखना कि जो गुण हैं वो बलात् आपसे वो काम करवा लेंगे, आप चाहो और चाहे न चाहो। कौन करवाएगा भगवान, प्रकृते है। प्रकृति मतलब सत्व रज की तम की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं, ये रट लेना, उल्टा सीधा नहीं बोलना। नेचर और ये पर्यावरण और हरियाली, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की साम्यावस्था, उनका जो रेशियो है वो कैसा रहे, बराबर, तो आप समझना वो क्या है, प्रकृति। जब उनमें विक्षोभ उत्पन्न हो जाए उसको बोलते हैं विकृति। प्रकृते क्रियमाणानी गुणई, इसका दूसरा अर्थ क्या था भाष्यकार ने, गुणई का अंडरलाइन किया होगा आपने, देखिएगा गुणई ही क्या लिखा है उसके आगे, विकारई ही, विकारई के आगे क्या लिखा है, कार्य करण रूपई ही। देखो ये इसका असली अर्थ है, गुण का अर्थ यहां सत्व रज और तम नहीं है, याद रखना, यहां गुण का अर्थ है कार्य और करण। कार्य मतलब स्थूल शरीर, करण मतलब सूक्ष्म शरीर, हो गया। ये प्रकृति का जो कार्य है, प्रकृति मतलब सत्व रज और तम का कार्य है कौन, स्थूल शरीर, और ये काम करेगा। इसलिए इसको सावधानी से देखना। अच्छा बोले तो काम करेगा तो भगवान दिक्कत क्या है, बोले काम कौन करता है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर। लेकिन कुछ लोग मूढ़ व्यक्ति हैं, देखो जी अहंकार मिला ये शब्द, अहंकार विमूढ़ आत्मा, मूढ़ कहीं के विपृष्ट प्रकार के मूढ़, अच्छे प्रकार के मूर्ख, ये भगवान की गाली है। कौन है, बोले करता कोई और है, नाम अपना लगाता है, नाम अपना लगाता है मतलब अपने आप को क्या मानता है, मैं करता हूं। वाह मिला ये, अहंकार विमूढ़ आत्मा, करता अहम, ये काम किसने किया, बोले ये काम मैंने किया बस, बोले ये विमूढ़ आत्मा। सच्चाई क्या है, कार्य किसने किया, कार्य स्थूल शरीर ने किया और कार्य सूक्ष्म शरीर ने। ईमानदारी से टेक्निकली देखना आप,
बोले मैं सांस ले रहा हूं। सांस कौन ले रहा है? जरा सोच के देखना। मैं खाना खा रहा हूं, खाना कौन खा रहा है? ये काम कौन कर रहा है? शरीर। आरोप किस पे लगा दिया मैंने? मैं पर। भगवान बोलते हैं अहंकारी व्यक्ति, हर चीज को इसकी आदत पड़ गई है कि ये सब का सब काम किसने किया? मैंने किया, मैंने किया। भगवान बोलते हैं ये जो कर्तापन की आदत है ना अर्जुन, यही व्यक्ति की तो जीवन की फांस है। देखो जी, तो जरा आप देखना कौन क्या कर रहा है, फिर फैसला लो। विमूढ़ व्यक्ति तो यही कहता है कि काम कौन कर रहा है? मैं। और मैंने आपको उस दिन इसका उदाहरण दिया, ये किसी संत से कहीं सुना मैंने, कि यदि जिस चीज का अभिमान है, मान लो किसी चीज का अभिमान है, सबको होगा किसी किसी चीज का, जिस चीज का अभिमान है उसमें मेरा कितना रोल है, क्या मेरा ही रोल है, ये करके देखो आप। मान लें कोई बहुत बड़ा अधिकारी बन गया और वो अहंकारी है। अच्छा, वो ये सोच के देखे, अगर उसके माता पिता न पढ़ाते तो, समाज मदद ना करता तो, वह विश्वविद्यालय एडमिशन ना देता तो, संगे संगी खराब हो जाते तो, डॉक्टर चिकित्सा नहीं करता तो, इन लोगों की वजह से आप कहां पहुंच पाए? वहां नहीं। मैं इस योग्यता, आपसे ज्यादा योग्य लोग पढ़े हैं, ये आपको भी पता है, आपसे ज्यादा योग्य लोग पढ़े नहीं पहुंच पाए और आप पहुंच गए, तो अच्छाई ये है, शो योर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, टुवर्ड्स योर गुरु, टुवर्ड्स सिटीजन, टुवर्ड्स कंट्री, इन सब के प्रति क्या व्यक्त किया जाए? कृतज्ञता। मैंने अपने बल पर, कितना तुम्हारा रेशियो है, क ख ग घ पढ़ाने वाला कोई और, ग्रेजुएशन पढ़ाने वाला कोई और, कोचिंग पढ़ाने वाला कोई और, ये ना होते तो तुम होते? बोले मैं नहीं होता। तो इसका मतलब क्रेडिट तो किसको जाता है? इनको भी। कोई भी उपलब्धि में आप देखना, जो अहंकार है ना वो फ्यूज हो जाता है। अगर मैं ये सोचूं कि ये बहुत सारे लोगों के परिश्रम का परिणाम है। खैर, तो अहंकारी तो ये मानता है कि कर्ता हम इति मन्यते। बोले विद्वान क्या मानता है? वो ये नहीं मानता। बोले नहीं, वो क्या मानता है? श्लोक देखना, ये तत्ववित्तु महाबाहो, हे महाबाहो अर्जुन, तत्ववित्तु, तत्ववित्त, अब यहां तत्व मतलब आत्मा मत कह देना, ध्यान रखना, यहां तत्व मतलब आत्मा नहीं है, तत्ववित मतलब तत्व को जानने वाला। बोले तत्व क्या है? बोले दो तत्व हैं, उन दोनों तत्वों को जानता है। बोले गुण कर्म, देखो जी, गुण और कर्म के विभाग को जानता है, इसीलिए शब्द क्या लिखा गया, गुण कर्म विभागयो, मिल गया अर्जुन? मैं उस तत्ववित्त की बात कर रहा हूं जिसको ये विभाग क्लियर है कि गुण कहां है और कर्म क्या है। बोले ये गुण और कर्म का विभाग मतलब, इन दोनों का यदि बंटवारा करोगे तो आप कैसे करोगे गुण और कर्म का? गुण और कर्म का बंटवारा करो आप तो कैसे करोगे? विषय और इंद्रियां,
इसमें कर्म क्या हुआ? गुण विषय भी गुण है और इंद्रियां भी, तो कर्म कहां गया? जो सत्व रज तम का विभाग है वो क्या क्या है? वो शरीर है, ठीक है, वो विषय है और वो इंद्रियां हैं। ये सब क्या हो गए? गुण। पर इंद्रियों से की जाने वाली जो चेष्टा है वो क्या है? कर्म है। समझना जरा, इंद्रियों से जो की जाने वाली जो चेष्टा है वो क्या कहलाएगी? कर्म। वो किसको जानता है? वो चेष्टा को भी जानता है और वो गुण को भी जानता है। हो गए ना, दो विभाग। वो अपने आप को ही नहीं, वो जगत को भी जानता है और जगत में होने वाले जो कर्म है उसको भी जानता है। सिर्फ गुणों का ज्ञाता नहीं है, ध्यान रखना। इसलिए ये जानबूझ के भगवान ने शब्द लिखा, तत्ववित्तो महाबाहो गुण कर्म विभाग यो हो। वो गुण के और कर्म के विभाग को जानता है। बोले क्या जानता है उसमें? बोले वो ये जानता है कि वो कुछ नहीं करता। बोले फिर कौन करता है? बोला गुणा गुणेशु वर्तत। इस लाइन को कहा था मैंने कल परसों आपसे, इसको याद कर लीजिएगा, गुणा गुणेशु। गुणा गुणेशु मतलब शरीर काम कर रहा है या शरीर ग्रहण कर रहा है विषयों को, मान लें ऐसा, ठीक है ना, शरीर विषयों को ग्रहण कर रहा है। और सरल कर देता हूं, कान शब्द को ग्रहण कर रहे हैं, नाक गंध को ग्रहण कर रही है, वहां आंख दृश्य को देख रहे हैं, यही हुआ ना सब। मुख पेट अन्न को खा रहा है, मन विषयों को ग्रहण कर रहा है, बुद्धि विषयों को ग्रहण कर रही है। तो आगे ना स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, प्रश्न है आंख नाक कान मुंह और पेट, ये जो भी, ये सब बना किससे हैं? त्रिगुणों से। ये आपने पढ़ चुके हैं तत्व बोध में, सत्वगुण से ज्ञानेन्द्रियां, रजोगुण से कर्मेंद्रियां, यही बना ना, समष्टि पूरे व्यष्टि सात्विक अंश से अंतःकरण, इंडिविजुअल रजशंस से कर्मेंद्रियां, कलेक्टिव रजशंस से पंच प्राण, ये आपने पहले पढ़ा। तो इसमें सब में क्या भरा है? पूरा शरीर क्या है? त्रिगुण। अच्छा, जो विषय है वो भी क्या है? तो कौन किस में वर्तन कर रहा है? कान से शब्द, शब्द कैसा है? शब्द या तो सत्वगुणी होगा, ये रजोगुणी होगा, ये तमोगुणी होगा। भोजन और सत्वगुणी होगा, रजोगुणी होगा, तमोगुणी होगा। गंध सत्व होगा, रज होगा, तम होगा। दृश्य सत्व होगा, रज होगा, तो ये भी त्रिगुण और वो भी। तो वर्तन कौन किस में कर रहा है? गुणा गुणेशु वर्तन्त इतिमत्वा, ये इसका नॉलेज है। इसी का दूसरा भाई था, वो क्या कह रहा था? अहम करता, मैं कर रहा हूं। ये क्या कह रहा है? गुणागुणेशु वर्तन्त, मैं नहीं कर रहा हूं। ये उसका ज्ञान है, इसलिए वो आसक्त नहीं होता। देखो जी, न सज्जते। आसक्ति तब पैदा होती है जब मैंने किया,
दूसरे की उपलब्धि में कितनी आ सकती है, है? दूसरे की शादी के एल्बम कितनी बार देखते हो आप घर में? और अगर अपनी शादी के एल्बम है तो दूसरे की उपलब्धि में आपको क्या लगता है होगी? उसकी होगी, मेरी थोड़ी ना। वो जो ज्ञानी व्यक्ति है वो अपने आप को क्या करता है, इति मत्वा, ये गुण गुण में वर्तन कर रहे हैं, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं। काम वही करेगा जो अज्ञानी कर रहा था, ध्यान रखना। पश्यन, सुड़वन, प्रशन, जिग्रन, अश्नन, गच्छन, स्वपन, सब कुछ करेगा, करते हुए भेद ये है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, एक बोलता है ये मैं कर रहा हूं। इसलिए ज्ञानी को कभी क्रिया से मत आंकना। इसलिए मैंने कहीं किसी दिन उपदेश में आपसे बात कही होगी और गुरुदेव ने कहीं हल्के रूप से बात को रखी, इसीलिए मूर्ति पूजा हावी हो गई, क्योंकि व्यक्ति को भगवान मानना आसान नहीं है, मूर्ति को भगवान मानना आसान। बात समझ में आती है आपको? व्यक्ति मूर्ति को मान सकता है, उन्हीं माता पिता के चित्र पर मरने के बाद 2000 लोगों को खाना खिला सकता है, उन्हीं के मरने के बाद बड़ी अच्छी गुलाब की माला टांग सकता है, लेकिन वही जीते हुए उन्हीं को खाना नहीं दे सकता। ये भी तो है, उन्हीं को खाना नहीं दे सकता, उन्हीं के पैर नहीं छू सकता, क्योंकि जीते हुए को भगवान मानना बहुत मुश्किल है, बड़ा बल चाहिए। अरे मुर्दे को भगवान मानना बहुत आसान है, मूर्ति को भगवान मानने में क्या जाता है? मूर्ति पूजा फैल गई। लेकिन आपके शास्त्र में, मैं बार बार बोलता हूं, मूर्ति पूजा की बात ज्यादा नहीं की गई, ध्यान, विरोध नहीं है, लेकिन मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो, ये देवता हैं, ये मूर्तियां हैं। मैंने कभी आपसे प्रश्न पूछा होगा, ये मेरे मन में प्रश्न आता था, राम किसकी पूजा करते होंगे, कृष्ण किसकी पूजा करते होंगे, तो क्या पूजा होती नहीं थी? नहीं, पूजा तो होती थी, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि मूर्ति की पूजा होती हो, माता की भी पूजा होती थी, पिता की पूजा होती थी, सूर्य की पूजा होती थी। लेकिन जितना व्यक्ति ऐसा होता गया तो धर्म ने भी एक रूप ढूंढ लिया, क्या? मूर्ति। तो कम से कम चलो तुम यहां तो कम से कम झुको। लेकिन यही, इसी को धर्म और अध्यात्म समझना, किसको, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं, बहुत ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं और ज्यादा बढ़ेगा नहीं। मैं बताऊं, ये उसी में धूप बत्ती दिया बत्ती में रह जाएगा, खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं मिलने वाला। जो आना चाहिए वो आता नहीं, गीता समझनी नहीं, उपनिषद जानना नहीं, ये कुछ समझना नहीं, बस दिया बत्ती करनी, ठीक है, जीते रहो, आगे जन्म के लिए और तैयार रहो। एक सिद्धांत को जीवन में ला के जीना नहीं चाहता, सब कुछ लागे तेरा, ये बोलना आसान है आरती पे, बट इसको करके तो दिखाओ, किसी को देकर तो देखो, ये नहीं कर सकता। इसलिए मूर्ति को मानना आसान है, जीवंत पुरुष को मानना बड़ा कठिन। मूर्ति पूजा बहुत जल्दी फैल गई। ज्ञानी कहता है मैं ये नहीं, मैं करता हूं ये नहीं मानता, मैं क्या कहता हूं, ये गुण गुण में क्या कर रहे हैं, वर्तन। इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते
गुणकर्मसु, ये देखो इसी का ट्रांसलेशन, प्रकृति गुणैहि सम्मूढाः। भाष्य देखिएगा, प्रकृति के जो गुणई गुणी सम्यक मूढ़ाः, सम्यक सम्मोहिताः, इनको क्या कर दिया, मोहित कर दिया है। सज्जन्ते किसमें किसमें मोहित कर दिया है, गुण में, और उसको पूरा विभाग क्लियर है किसको, ज्ञानी को, गुण और कर्म का। अज्ञानी को इसका कुछ पता ही नहीं, कौन गुण है कौन कर्म है कुछ नहीं पता, सब चली जा रही गाड़ी लगेता। तान कृष्ण विदो मंदान, ये व्यक्ति कैसा है, मंद बुद्धि का है। कृष्ण भिन्न विचार है ये, वो जो ज्ञानी है ना वो विचलित नहीं होता, वो शोक नहीं करता, उसमें चंचलता नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो गुण और कर्म के विभाग को क्या करता है, जानता है। मैं नहीं व्यथित हूं, ये मन है, ये विचार किसका है, बुद्धि का है, ये विचार किसका है, मन का है। इसलिए गांधी जी का वो वाक्य याद करो आप, पापी से घृणा मत करो, पाप से घृणा करो। पापी तो व्यक्ति है जैसे आप हैं, पापी से घृणा मत करो, पाप से घृणा करो। ये जो आया है ये इसके मन में आया, शरीर में आया, बुद्धि में आया, इसको मानो आप। बट आपका अस्तित्व इसके अलावा भी है, किसके, शरीर मन और बुद्धि के परे, वो असली व्यक्तित्व है। कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।